हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि सिंपल रेसिपीज़। आज मैं आपको वेज चाउमीन बनाना बताऊंगी, वो भी बिना किसी सॉस और बिना हरी सब्जियों के। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे नूडल्स लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पतली वाली चाउमीन भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों के लिए मैंने यहाँ पे आलू लिया हुआ है, जो कि हमेशा अवेलेबल होती है। इसे मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है बड़ा सा, उसे भी स्लाइसेस में कट किया है। और एक टमाटर लिया है, उसे चॉप कर लिया है। यहाँ पे हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैंने यहाँ 4-5 यूज़ किया है। 1 टीस्पून जीरा यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून नमक और 2 बड़े चम्मच तेल। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक ऐड किया मैंने और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल आप नूडल्स उबालने के बाद उसके ऊपर मत लगाएं, आप पानी में इन ऑयल को डाल दें। इस पानी को हम फिर से उबलने देंगे एक बार। अब मैं इसमें नूडल्स ऐड कर रही हूँ और इसे डालने के बाद मैं इसे हल्का सा प्रेस करूंगी ताकि ये अंदर चला जाए। अगर आप चाहे तो इसे तोड़कर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जब ये अंदर चला जाएगा तो हम इसे ढक देंगे। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है अभी और 2 मिनट के लिए इसे उबलने देना है। 2 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं नूडल्स को। ये उबल चुके हैं अच्छे से, ये देखिए। हमें इसे 90% कुक करना है, हमें इसे पूरा कुक नहीं करना है। उसके बाद मैं इसे धो लूँगी ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये थोड़ा ठंडा हो जाए। इसका सारा स्टार्च हम यहाँ निकाल देंगे धोकर। अगर स्टार्च रह जाता है इसमें तो फिर ये चिपकने लगते हैं एक दूसरे से, और अगर आप इसे धोएंगे नहीं तो ये कुकिंग चलती रहेगी और ये बहुत ही ज़्यादा पक जाएंगे। ये देखिए मैं कैसे धो रही हूँ इसे। आप चाहे तो किसी बर्तन में निकाल कर भी इसे धो सकते हैं, पर इसे धोने के बाद पंखे के नीचे ना रखें वरना ये सूख कर चिपकने लगते हैं एक दूसरे से। अब मैंने कढ़ाई को फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल यूज़ किया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी 1 टीस्पून। और जीरा जैसे ही चटकने लगे मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। फिर इसे मिला दूँगी अच्छे से। प्याज को हमें थोड़ा सॉफ्ट करना है 1 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे ही पका रही हूँ मैं इसे। जैसे ये सॉफ़्ट हो जाएगा मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी। ये देखिए सॉफ़्ट हो चुका है, अब मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड करूँगी। और इसे ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसमें नमक और हल्दी भी ऐड कर दूँगी साथ में ही। थोड़ा सा आप इसे भून लें, उसके बाद आप इसमें नमक और हल्दी ऐड कर दें। ये मैंने नमक ऐड किया, थोड़ा सा नमक मैं बचा दूंगी जब मैं टमाटर डालूंगी उस टाइम ऐड करूंगी। और हल्दी मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया। इसे मिला दे अच्छे से और इसे ढककर पकने दे, तब तक हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए आलू हमारे पकने शुरू हो चुके हैं अच्छे से और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, इसीलिए हम इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करते हैं। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर रही हूँ और बाकी का जो नमक बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया। इसे मिला दूँगी मैं अच्छे से। और टमाटर को हमें पूरा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सॉफ़्ट करना है। ये देखिए सॉफ़्ट हो चुके हैं और नूडल्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं नूडल्स कितने अलग अलग है अभी भी, ये बिल्कुल नहीं चिपक रहे एक दूसरे से। आप इसे मिक्स कर दें। अगर आप इसे ऐसे मिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 स्पून ले लें, एक हाथ में बड़ा चम्मच ले और एक हाथ में छोटा चम्मच ले, फिर उसको उठाकर मिक्स करें। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से। और अगर नीचे जलने लगे नूडल्स तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, पहले इसे मिक्स कर ले और उसके बाद इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊँगी। ये तैयार है हमारी देसी चाउमीन बिना सब्जियों के और बिना किसी सॉस के, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे इसे सैलेड से गार्निशिंग कर सकते हैं, और अगर ना चाहे तो ना भी करें, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसमें सैलेड डालना ही है।
और मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि ये बिना सॉस वाला है। अगर आपके पास अवेलेबल है टमाटो सॉस तो आप ऐड कर सकते हैं। जब घर में हरी सब्जियाँ और सॉसेज ना अवेलेबल हो तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हक्का नूडल्स की जगह पे। हक्का नूडल्स का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ़िलहाल के लिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना कमेंट मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।